से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इधर जो हमारा एक टैलेंट है, माशाल्लाह फुटबॉलर आए हुए हैं इधर हमारे भाई, तो ये अगर इस टैलेंट में हम लोग जाते हैं स्पोर्ट्स में, तो मलेशिया से भी इनकी दूरी होगी और जितने भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं उनसे भी इनकी दूरी होगी। ये तो अच्छी बात है, अल्लाह करे हमारे लोगों में इतना समझ बूझ हो कि स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा आते जाएँ। पैगाम तो यही स्पोर्ट्स के हवाले में देना चाहूँगा कि आए अपना जो इनका टैलेंट है, टैलेंट अपना शो करें, जो हॉबीज़ हैं इनके अपने शो करें। हुकूमत देखें, अगर उनका अगर शौक़ है बाहर जाने का, तो हमारे तरफ से वैसे प्राइवेटली मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए भी अपना तैयार हूँ। बाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ मैं कि वो इनको सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे ये जो टैलेंटेड नौजवान हैं, इनका टैलेंट इंटरनेशनली होनी चाहिए। ये टूर्नामेंट जो इन लोगों ने अपने बेटे के नाम पे कराया, ये तो पहले स्टेडियम में मुनाकिद था, तो अभी इधर इसका फाइनल कराया गया। बाय दे इसी तरह यहाँ पे और टूर्नामेंटें भी हो जाए और उनके फाइनल पे इसी तरह ये लोग जो ताउन करते हैं, ये लोग जो आ रहे हैं खुद अपने मजमे के साथ क्या कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि इन लोगों से हमें यही तो कि इससे ज़्यादा बढ़ के करें, ताकि लोग मनशियात और बाकी चीज़ों से दूर रहें। ग्राउंड आबाद रहेंगे तो मनशियात खत्म हो जाएगा। नौजवानों के लिए यही कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग के लिए अच्छे से अच्छे कोच भेजें और उनको अच्छे से अच्छे ग्राउंड अतिया करें। और मैं यही कहना चाहता हूं कि फंड्स प्लेयर तक और कोच तक खामखा पहुँचे। हिंदुस्तान के फुटबॉल में बहुत टैलेंट मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है, इस वजह से खास लड़के जो है आगे नहीं आते, गुरबत की वजह से, बहुत ही गुरबत है यहाँ पे। इस वजह से जो हमारे पास कोई ख़ास ग्राउंड भी नहीं है, ना ट्रेनिंग के लिए ना कुछ मैचेस के लिए। बहुत खुशी तो बहुत महसूस हो रहा है, दोनों टीमें माशाल्लाह बहुत अच्छे खेले, खामखा दोनों टीमों में से एक टीम खामखा जीता है। माशाल्लाह हमारी टीम ने भी अच्छा खेला, दूसरे टीम ने भी अच्छा खेला, जी अच्छा हो गया माशाल्लाह। पहला टू डिस्ट्रिक्ट जैन फुटबॉल टूर्नामेंट जो वो अपने इख्तिताम को बखुशी खैरियत पहुंच गया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद करा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन फुटबॉल के मेम्बरान। तो क्वेटा में ऐसे टूर्नामेंट के इनेकाद तवातुर से किया जाए जिससे खिलाड़ियों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है और इससे नई टैलेंट उभर कर सामने आएगी। और दूसरी जानब हम उम्मीद करते हैं कि फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट सेशन जो है मेम्बरान जो है नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो हमारे प्लेयरों के साथ ताउन करेगी और इस तरह के टूर्नामेंट के इनेकाद करके फुटबॉल को अपने ऊपर लाने की कोशिश करेगी, इससे प्लेयर भी पैदा हो जाएंगे क्वेटा में।